अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू सुमैयास किचन वंस अगेन। आज हम जो बनाने वाले हैं वो है पालक आलू की सब्ज़ी, जो बहुत ही इजी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसके लिए मैंने ले लिए थे 2 मंच पालक के, और इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर पेपर टॉवल पे थोड़ा ड्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने उसे कट कर दिया था। 1 मीडियम की साइज़ की प्याज है, इसे भी कट कर लिया है मैंने। 2 मीडियम साइज़ के आलू, इसे मैंने बॉईल करके मैश करके रखा है। अब तेल गर्म होने के लिए रख दिया था 1 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। जब तक कि हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाती है, मैंने जो मसाला ग्रीन चिली, गार्लिक और ज़ीरा जो रखा है, मैं इसे बारीक ग्राइंड कर लूँगी विदाउट वाटर। 5 से 6 मैंने ग्रीन चिली, 1 चम्मच ज़ीरा और 5 से 6 मैंने गार्लिक क्लोव्स, लहसुन ले लिया था 5 से 6 लहसुन के कली या फिर गार्लिक क्लोव्स, और 1 टीस्पून सॉल्ट के साथ मैं इसे पीस लूँगी बिना पानी के। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसे ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे प्याज के साथ में और आलू के साथ इसे भून लूँगी, ताकि जो कच्ची जो स्मेल है हरी मिर्च और लहसुन की, वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छी तरह से हमको भूनना है ताकि उसकी स्मेल, कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। पालक ऐड करने के बाद भी हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और इसे बिल्कुल 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक के पका लेंगे। भूनने के बाद आलू के आपको लगे थोड़े मोटे मोटे पीसेज हैं, तो हम उसको अच्छी तरह से मैश कर ले। ज़्यादा मोटे पीसेज नहीं रहना चाहिए, तो मसाला नहीं आएगा। हमको उसको थोड़ा और मैश कर देना है पालक के साथ में, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। हाँ, चाय लेके आ रही। एक से 1.5 मिनट भुनने के बाद मैं इसे ढककर रख दूंगी 2 मिनट के लिए। देखिए, इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि आलू थोड़े मोटे हैं किसी, तो आप इसे इस तरह से मैश कर लें। अब मैं इसे ढककर रख दूंगी। दो मिनट हो गए, ये देखिए हमारा पालक आलू तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म दाल और चावल के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। दुआओं में याद रखें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।